हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं करेला चाट। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेले तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन। सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे, उसमें 2 कटोरी मैदा डाल देंगे। अजवाइन और नमक डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल डाल देंगे इसमें, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से हाथों से मसल मसल के इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से बनाकर देखेंगे, अगर इसका लड्डू बन रहा है तो हमारे आटे में तेल एकदम बराबर है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम कड़क आटा लगा लेंगे। आटा नरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह से एकदम कड़क आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। इसे इस तरह से गोल करके ढककर इसे 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम थोड़ा सा तेल लगाकर आटे को एक सा कर लेंगे। अब आटे के छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे। जितने बड़े हम रोटी के लिए पेड़े लेते हैं उतने बड़े पेड़े ले लेंगे। एक पेड़ा ले लेंगे, इसे अच्छे से हाथों से इस तरह से गोल कर लेंगे। इसकी एकदम पतली रोटी बेल कर ले लेंगे। एकदम पतली रोटी बेलकर तैयार हो गई है। अब चाकू की मदद से ऊपर और नीचे दोनों पर थोड़ी जगह छोड़कर इस तरह से बीच में से कट लगा लेंगे। एक तरफ से इसे इस तरह से आधा फोल्ड कर देंगे, दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। अब कोई भी एक हिस्से को लेकर इस तरह से दूसरे हिस्से पर रख देंगे और इसे इस तरह से साइड से दबाकर चिपका देंगे। अब साइड में जो भी एक्स्ट्रा मैदा है उसे इस तरह से काटकर अलग कर देंगे। इसी तरह से हम सारे करेले बनाकर तैयार। हम इसे फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में अंदाज से तेल गरम कर लेंगे। तेल अच्छा गरम होना चाहिए। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। इसमें करेले डाल देंगे। करेलों को अच्छे से उलट पलट कर गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। करेले फ्राई होकर तैयार हो गए, इसे एकदम ठंडा कर लेंगे। अब बाकी की सामग्री देख लेते हैं जो हमें चाट में यूज करना है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी फिटी हुई दही लिया है, इसमें 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर डाली है, इमली की चटनी ली है, हरी मिर्च और हरे धनिया की चटनी ली है, चाट मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। प्लेट में करेले को इस तरह से तोड़कर रख देंगे। इसके ऊपर दही डाल देंगे। चटनी डाल देंगे।
इमली की चटनी डाल देंगे। चाट मसाला, जीरा पाउडर, काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। हमारी करेला चाट तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।